सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अरविंद जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह और निखिल राय व पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरविंद जायसवाल ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं कि मुझे जैसे कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया। मैं आज प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया हूं। कार्यकर्ता को मुबारकपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और मैं आज प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया हूं। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेताओं को बधाई देता हूं। कितने सीट में दाखिल किया पर्चा? 2 सीट में दाखिल कर दिया। आपको टिकट मिलने के बाद वहाँ काफ़ी विरोध हुआ और लोग बाहर? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, चर्चाएं होती रहती, क्योंकि हमारा पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ा परिवार होता है तो तमाम लोग बाहर के लोग चर्चा करते हैं। हम तो पुराने कार्यकर्ता हैं और अपने पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जिस तरीके से मुझे सम्मान दिया है लोगों ने, मैं समझता हूँ कि मेरे कर्मों का फल है कि इस तरीके का प्यार और सम्मान मिला है। अनावश्यक बातें विरोधी पार्टी के लोग करते रहते हैं, उसमें मैं नहीं पड़ता भाई साहब। सभी असंतोष दूर कर लिया है आप? कहीं कोई असंतोष था ही नहीं, दुरुस्त क्या करना है। तो क्या है जीत की रणनीति, क्या है, कैसे सपा बसपा मुकाबला होगा? देखिए, सपा बसपा एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी, जो उन्होंने अपना गरीबों के लिए, समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने अपने कार्यक्रम चलाए हैं, उस कार्यक्रम की गांवी स्तर पर चर्चा हो रही है, खास करके अनाज का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए सम्मान किसान निधि जैसे तमाम जो लाभार्थी हैं आज गांव-गांव में याद कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये संगठन का जो ढांचा है वो बहुत मजबूत है। गांवी स्तर तक हमारे हर बूथ पर लोग हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे त्रिदेव हैं, उनके जो संख्या है वही एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारे सड़क पे तो कम दिखाई देंगे लोग, लेकिन साइलेंट वे में हमारा काम चल रहा है और चुनाव जीत के हम आएंगे। जैसे वहाँ जातीय और धार्मिक समीकरण हमेशा भारतीय जनता पार्टी, ये तो वो लोग काम करते हैं जिसको राजनीतिक या सामाजिक कोई कर्म नहीं किया रहता है, तो इस चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का सहारा लेता है। हम लोग राष्ट्रीय चीज़ों में विश्वास करते हैं और सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में ही कहूँगा कि देश में इस सब चीज़ों को दूर करना चाहिए और कर्म पर विश्वास करना चाहिए। ये तो अपने कमियों को छिपाने के लिए, शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए लोग जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। जैसे वहाँ गुड्डू जमाली के आने से चार कोणी मुकाबला माना जा रहा है। देखिए, गुड्डू जी जो कि वहाँ ऑलरेडी विधायक रहे हैं तो स्वाभाविक उनकी एक क्षमता है, शक्ति है, और जो दो और पार्टियाँ हैं क्षेत्रीय पार्टियाँ तो वहाँ पर चतुष्कोणी लड़ाई है, ये ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे पार्टी का संगठन है उस संगठन पर मुझे भरोसा है और उस भरोसे के बल पर मैं कह रहा हूँ कि कोई लड़ाई नहीं है, मैं चुनाव जीत के आऊँगा। आप हमेशा सगड़ी के लिए काम करते रहे, सगड़ी से आप मजबूत उम्मीदवार भी थे, लेकिन मुबारकपुर नया नहीं लग रहा आपको? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो गोरखपुर क्षेत्र में 12 जिला है क्षेत्रीय हमारे संगठन के दृष्टिकोण से, तो मुबारकपुर हो चाहे लालगंज हो चाहे सगड़ी हो चाहे सभी क्षेत्रों में मैं समान रूप से काम किया हूँ, चलता हूँ और मैं चर्चित परिचित हूँ और राजनीति में कोई मैं नया नहीं हूँ। वास्तविक रूप से मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ।